हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8th SST। एज यू नो वेर वेल, इन SST वी आर डिस्क्राइबिंग चैप्टर नंबर 3rd इन जियोग्राफी। इन आवर प्रीवियस वीडियोस वी हैव डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज एंड वेरी शॉर्ट आंसर। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट शॉर्ट आंसर ऑफ द लेसन नंबर 3rd इन जियोग्राफी। सो लेसन नंबर 3rd शॉर्ट आंसर्स कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 1st है, शॉर्ट आंसर में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1st दी जा रही हो शॉर्ट आंसर। फर्स्ट है, डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। आंसर इज हियर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज एक्सट्रीमली अनइवन। Only 3% of water on the surface is fresh। अर्थ में जो only 3% water है जो fresh है, और ये uneven है distribution of water, कहीं भी एक जैसा नहीं पाया जाता, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम है। The remaining 97 resides in ocean। और बचा हुआ जो 97 है वो ocean में है। Of fresh water 69% resides in glacier। और fresh water का 69% glacier में है। 39% अंडरग्राउंड वाटर है एंड लेस देन 1% इज लोकेटेड इन द लेक्स रिवर्स एंड स्वैम्स। जो 1% बचता है, 1% से भी कम वाटर है जो लेक्स रिवर्स और स्वैम्प में पाया जाता है। लुक्ड एट द अनदर वे, ओनली 1% ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज यूजेबल बाई ह्यूमंस। तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं केवल 1% ही पानी ऐसा है जो आदमी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। सो इट वॉज द कंपोजिशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2nd, हाउ डज द पॉपुलेशन अफेक्ट वाटर अवेलेबिलिटी। आंसर इज हियर, द वर्ल्ड पॉपुलेशन क्रॉस 7.33 बिलियंस मार्क इन 2011। इन इन्फ्लुएंसिंग वाटर सप्लाई प्रॉब्लम्स, पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ द रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द डिमांड फॉर वाटर एंड वाटर कंजम्पशन। एज पॉपुलेशन ग्रोज, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, द डिमांड फॉर वाटर ऑल्सो ग्रोज, तो पानी की मांग भी बढ़ती है। दिस कंडीशन लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 3rd इज हेयर, एक्सप्लेन एनी 3 वेज टू कंजर्व द वाटर। वाटर को कंजर्व करने के लिए 3 वेज बताना, आपको 3 तरीके बताना है। सो फर्स्ट इज हेयर, यू आर सीइंग हेयर रिसाइकलिंग। फर्स्ट में आप रिसाइकलिंग देखेंगे। रिसाइकलिंग, वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर कैन बी प्यूरिफाइड एंड रीयूज्ड बाई द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग। जो हमारा वेस्ट वाटर है जिसको हम फेंक देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, उसको हम प्यूरिफाई करके दोबारा से यूज कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को रिसाइकलिंग कहते हैं। एंड सेकेंड वेज है आपको रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज इज वाटर प्रोकोलेट्स, नहीं सॉरी, ग्राउंड वाटर रिचार्ज इज अ प्रोसेस बाय विच वाटर प्रोकोलेट्स इन द ग्राउंड आफ्टर हैवी रेनफॉल सीपिंग डाउन फ्रॉम द सरफेस रन ऑफ। एंड थर्ड पॉइंट है आपका efficient use, the efficient use of water like closing the taps after use, using sprinkle for watering the lawn and field and carrying out drip irrigation instead of well and canal। And question number 4 is here, राइट एंड एनी 3 कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन।
वाटर पॉल्यूशन के कई तीन कारण लिखने हैं आपको। सो वाटर पॉल्यूशन इज कॉज ड्यू टू द सेवरल फैक्टर्स लाइक ऑयल स्पिलिंग। ऑयल स्पिलिंग के माध्यम से वाटर पोल्यूट होता है। डंपिंग ऑफ वेस्ट, डंपिंग ऑफ वेस्ट के माध्यम से। सो दीज रीजन्स मेक वाटर अनफिट फॉर कंजम्पशंस एंड लीड्स टू स्कार्सिटी ऑफ वाटर। और भी बहुत सारे वेज हैं जिनके माध्यम से वाटर पोल्यूट होता है। जैसे हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको हम रिवर्स से जोड़ देते हैं, जिससे रिवर का वाटर पॉल्यूट हो जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, वाटर इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अर्थ, वाई? पानी अनइवन वे में डिस्ट्रीब्यूट अर्थ में, ऐसा क्यों है? आंसर इज हेयर, द वोस्ट एरिया लाइक डेजर्ट्स एंड सेमी डेजर्ट्स रिसीव ऑलमोस्ट नील और वेरी लेस रेनफॉल। एक बड़ा सा हिस्सा डेजर्ट, जो पूर्ण रूप से डेजर्ट है या सेमी डेजर्ट है, वहाँ पर बारिश जो होती है वो नील यानी ना के बराबर होती है। बिसाइड सीजनल वेरिएशंस एंड लैटिट्यूडनल वेरिएशंस अफेक्ट द अमाउंट ड्यूरेशन एंड टाइप ऑफ प्रिसिपिटेशन। सो इन दिस वे योर शॉर्ट आंसर ऑफ द चैप्टर नंबर 3 इन जियोग्राफी कंप्लीटेड। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट लॉन्ग आंसर।